उधर बेअदबी मामलों को लेकर दरअसल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर से पंजाब की कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। बाजवा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पंजाब सरकार जानबूझकर मामले को भटका रही है। बाजवा ने एसआईटी चीफ एजी अतुल नंदा पर सवाल उठाते हुए उनके काम करने के तरीकों पर शक जाहिर किया है। साथ ही बाजवा ने बेअदबी मामले के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। कह रहे हैं अफसर जिम्मेवार ने जो एडवोकेट जनरल है वो जिम्मेवार है या नाकाबल है या रलिया होया। ऐसा ही प्रमोद कुमार है जेड़ा जेड़ा सेंटर जेड़ा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए है दोषी गिरफ्तार करने चाहिए जे नहीं है दोनों कुछ कर दे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं रिक्वेस्ट की है कि जे नाकाबल ने फिर भी बदलो जे रले ने फिर भी बदलो गल तो इन्नी मैं कही है सीधी पानी दे दुध का दुध पानी का पानी है जटकी गल इन्नी है जी थानू जिस तरह कही जस्ट ऑफ द मैटर है अपन समझनी चाहिए कि ये बंदे इन्वेस्टिगेशन सही जगह पर नहीं जा रही अजे ढाई साल भी अजे कुछ ये तो अगा पचा नहीं है इस केस का निकल रहा लोग चाहते ने कि जेडे एडा वड्डा पंजाब दे विच ए पाप होया उन्हां दे दोषी हुण तक जेल च होने चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।